माय यूट्यूब फैमिली वेलकम टू मसारा किचन मैं हूँ मारिया सैद कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली आज मैं मसाला किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सी रेसिपी आज मसाला किचन में बन रहे हैं केफसी स्टाइल चिकन पॉपकॉर्न जो कि के बिल्कुल केफसी स्टाइल के क्रिस्पी होंगे इसके क्रम्बल बिल्कुल वैसे ही होंगे और ये रेसिपी जो है बहुत ही आसान वे में मैं आपके साथ आज यहाँ पर करूँगी शेयर कि कितनी आसानी से ये घर में हम बना सकते हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं चिकन जो है खुद ही कट कर रही हूँ तो मैंने चिकन का एक ब्रेस्ट पीस जो है पूरा बस ले लिया था और उसको कटिंग शटिंग मैंने कुछ नहीं करवाई थी उसको घर में ला मैंने अच्छी तरीके से वॉश किया उसके फैट्स वगैरह यहाँ पर रिमूव किए उसके बाद जो है इसके पीसेस जो है मैं खुद करने लगी हूँ ताकि इससे ये होता है कि मुझे आइडिया रहेगा कि मुझे जो है कितने बड़े पीसेस करने हैं और कितनी चिकन इसमें किस साइज़ की चिकन चाहिए तो इसलिए मैंने शॉप में ये कुछ भी नहीं करवाया और मैंने बस एक ब्रेस्ट पीस जो है चिकन का ले लिया तो यहाँ पे एक पीस के मैंने जो है ट्वेंटी एट पीसेस किए हैं इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि चिकन जो है मैं वो मैं कितनी ले रही हूँ एक चिकन के ब्रेस्ट पीस के ट्वेंटी एट पीसेज मैंने किए हैं और अब जो है इसमें मैं ऐड करूँगी मैरिनेशन के लिए थोड़े से स्पाइसेज जिसमें मैं वन टेबल स्पून ऐड करने लगी हूँ सोया सॉस यहाँ पर देखे मेरी सोया सॉस भी खत्म चुकी है मैं ग्रोसरी गई थी और हमेशा की तरह कुछ ना कुछ बंदा भूल ही जाता है लेना तो ये भी लेना मैं भूल गई थी वन टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ सफ़ेद सिरका इस सफ़ेद सिरके से जो चिकन में एक अच्छा सा फ्लेवर आता है ना क्या ही बात है अब इसमें यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून थाइम और अब इसमें यहाँ पे जाएगा हाफ़ टी स्पून लहसन पाउडर अगर आपके पास लहसन पाउडर नहीं है तो आप दो अदद लहसन के जवे लीजिए उसको ग्रेट कीजिए उसको ऐड कर दीजिए नहीं तो लहसुन का पेस्ट भी हाफ़ टी स्पून ऐड कर सकते हैं और अब जो है इसमें बारी आती है जाने की थोड़े सा स्पाइसी थोड़ा सा चिली सफ़ेद मिर्चों का पाउडर जिसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त होता है तो वो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर और अब इसमें जाएगा नमक जो कि अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा ऐड करें यहाँ पर इसमें और अब जो फ़ाइनल जो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ वो है हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर तमाम इस्पाइस जो है वो मैंने ड्राई स्पाइसेस हाफ टी स्पून इसमें ऐड है थोड़े थोड़े से स्पाइसेस से मजेदार सी चिकन यहाँ पे रेडी होती है साथ ही यहाँ पे वन फोर्थ कप मैंने ले लिया है फ्रेश मिल्क उसको करती हूँ उसमें ऐड फ्रेश मिल्क ऐड हो चुका है अब बारी आती है इसमें एग ऐड होने की तो मैंने यहाँ पे एक अंडा ले लिया है इसमें उसको भी मैं ऐड कर दूंगी तमाम चीज़ें एक साथ इसमें ऐड करके इसको करूँगी यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से इसकी मैरिनेशन ताकि चिकन में जो है तमाम स्पाइसेस और तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से लग जाएँ मेक श्योर कर लेना है कि तमाम चीज़ें चिकन में अच्छी तरीके से लग जाएँ और फिर जो है इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में मैरिनेट करके तकरीबन टू आवर्स के लिए इसको रेस्ट दूँगी टू आवर्स हो चुके हैं अब बारी आती है यहाँ पे चिकन को रेडी करने की तो मैंने यहाँ पे वन कप मैदा लिया था और वन फोर्थ कप ले रही हूँ कॉर्न फ्लोर जो कि कॉर्न स्टार्च भी कहलाता है वो मैंने लिया है इन दोनों को ऐड कर दिया है अभी यहाँ पे अब मैं इसमें इसको मज़ेदार कोटिंग करने के लिए इसमें थोड़ी से स्पाइसिस ऐड कर दूँगी जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है वाइट पेपर पाउडर नमक जो है जाएगा हसबे ज़रूरत और अब मैं ले रही हूँ थाइम जो कि हाफ टी स्पून है अगर आपके पास थाइम हर्ब नहीं है तो आप इसमें औरिगानो हर्ब भी ऐड कर सकते हैं इन दोनों हर्ब में से कोई भी इसमें ऐड कर दें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अब जो है मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ हाफ टी स्पून लहसन पाउडर इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से कर लेती हूँ मिक्स इससे जो है हमारी कोटिंग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और स्पाइसी सी होगी कोटिंग में एक फ्लेवर आएगा अब यहाँ पर चिकन के पीसेस को लूँगी मैं और यहाँ जो मैदे की कोटिंग मैंने रेडी करके रखी है उसमें जो तमाम पीसेस को जो है चार या पाँच छः पीस जितने भी हमारे जो सरफे बॉल का जो सरफेस है उसमें जितने पीस इसलिए आएँ उतने ऐड करके इसमें बस हल्का सा जो है मैदा जो है बस लगा लूँगी जो एक प्रोसेस होता है हमारा क्रम्बल बनाने का कि उसमें लाइट सा हल्का सा बस उसका मेकअप कर देना है कि पाउडर जो है उसमें चिकन के पीसेस में लग जाए उसके बाद चिकन को मैं निकालूंगी और यहाँ पर बिल्कुल ठंडा यख पानी मैंने बॉल में रखा हुआ है पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए उसमें जो है चिकन के पीसेस को डालते जाऊँगी और पीसेस को बस सिर्फ पाँच से छः सेकेंड सा रहने देना है और पीसेस को निकाल लेना है इससे ज्यादा पीसेस को पानी में नहीं रहने देना है और फिर मैदे के बॉल में दोबारा ऐड करना है और अब शुरू होती है हमारे यहाँ क्रम्बल के प्रोसेस के किस तरीके से चिकन में परफेक्ट से क्रम्बल बिल्कुल केफ वाले हमें लेकर आने हैं तो चलिए जी चिकन को जो है यहाँ पर ले लिया है और अब जो इसे क्लॉकिंग स्टाइल में जो है मैं मैदे में थोड़ा हाथ पे प्रेशर लगा के मैं इसको देखें क्लॉकिंग स्टाइल में यहाँ पे इसको मैरिनेट कर रही हूँ मैदे में और इसको चिकन के पीसेस को देखें मैं उठा भी नहीं रही हूँ मैंने इसको बिल्कुल मैदे पे रहने दिया और मैं इसको कॉर्नर पे भी लगने नहीं दे रही हूँ इस तरीके से इसमें बहुत ही अच्छे से क्रम्बल थोड़ी देर में बन जाएंगे ना इसको प्याले के कॉर्नर्स में लगने देना है ना इसे निकालना है तो यहाँ पर देखें क्रम्बल बन गए हैं इसको बस मैदा जो है इसका झाड़ते जा रही हूँ पीसेस का और यहाँ स्पाइडर स्टैंड पर इसको रखते जा रही हूँ अगर आपके पास स्पाइडर स्टैंड नहीं है तो इस तरीके का कोई भी चम्मच है बड़ा सा तो आप उस पर रख लीजिए ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है और उसके बाद मैंने स्लो हीट कर दी है ताकि ऑयल जो है ज़्यादा गर्म नहीं रहे नहीं तो ये चीज़ें मैदा जो है जलना शुरू हो जाता है और फिर चिकन अच्छे कुक नहीं होती है चिकन पर देखें मैंने इसको डाल दिया है थोड़ी देर चंद सेकेंड मैं इसको, 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 इसको स्पाइडर स्टैंड पर ही रहने दूँगी और ये इसको मूव करते रहूँगी उसके बाद जो इसको मैं ऑयल के अंदर ऐड कर दूँगी अब जो है स्लो हीट पे चिकन को जो है कुक करते रहना है ताकि चिकन जो है अंदर से कुक भी हो जाए क्रम्बल भी ज़्यादा हार्ड ना हो और बहुत ही मज़ेदार सी हमारे पॉपकॉर्न चिकन बन जाए इसको ये क्रिस्पी नहीं किया है मैंने बहुत ज़्यादा क्योंकि क्रिस्पी जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर वगैरह इसकी कोटिंग में कुछ भी ऐड नहीं होता है इसके क्रम्बल बिल्कुल हमारे जिंगर चिकन की तरह होते हैं सॉफ्ट है, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं चलें फिर यहाँ पे क्रिस्पी सा चिकन पॉपकॉर्न रेडी हो चुका है रेसिपी पसंद आए लाइक करें अगर आपने अब तक हमारे मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए दुआओं में याद रखिए अल्लाह हाफिज